ओजोन गैस एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर. आज आपको बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. हम ओजोन गैस के बारे में बात करने लगे हैं विच इज़ बेसिकली एन अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के टॉपिक के साथ इसका ताल्लुक है. अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के अंदर अभी तक हम लोग दो किस्म के अफेक्ट्स की बात कर चुके हैं. वी टॉक्ड अबाउट एसिड रेन एंड स्मॉग इन द प्रीवियस लेक्चर्स. और आज हम बात करने लगे हैं ओजोन गैस की जो कि अगेन एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के तौर पे बिहेव करता है. इन दिस लेक्चर विल बी आस्किंग ourselves सम questions, सम वेरी सिंपल questions, एंड विल ट्राई टू आंसर them. फॉर एग्जाम्पल विल आस्क what is ozone and where is it. ठीक है. इसके अलावा we'll ask ourselves how do we measure ozone. ठीक है. By the end of today's lecture आपको ये इन answers, इन questions के answers बिल्कुल ठीक से पता होंगे. इसके अलावा how ozone is formed ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इज इट गुड और बैड. ये जो क्वेश्चन है ना कि ओजोन अच्छी है या बुरी है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ओजोन के फवायद क्या हैं और ओजोन के नुकसानात क्या हैं. ठीक है. एंड फाइनली आज के जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन. और डिप्लीशन ऑफ ओजोन कहते किसे हैं और कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, एंड केमिकल reactions associated with the depletion. All right. So let's start with our first question. What is ozone and where is it? All right. Ozone gas is primarily we refer to O3. It's a allotrope of oxygen. Oxygen gas जो है उसका ये एक allotrope है जिसको हम बोलते हैं O3 या ozone. It is unstable इन नेचर और बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है. ठीक है. एंड वेयर इज इट प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. अब वेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर वो भी मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर ग्लोब, दिस इज आर अर्थ. अर्थ के ऊपर देर आर सर्टेन लेयर्स जो हम पीछे मैंने आपको आज इस लेक्चर जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वो क्लियर किया था. देर आर सर्टेन लेयर्स अबव द अर्थ सर्फेस. ज़मीन से लेके बिल्कुल सरफेस से लेके तकरीबन 15 किलोमीटर्स तक का जो ऑल्टीट्यूड है, दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर. ठीक है. और 15 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा है इट इज जनरली कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर. ये जो दूसरा वाला हिस्सा है स्ट्रेटोस्फीयर. तो ओजोन गैस जो है प्राइमरीली स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है. और ये कहां पे ज्यादा पाई जाती है, तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब का जो बुलंदी है ना वहां पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है ओजोन गैस. सो यू नाउ वेरी क्लियरली नो के व्हाट इज ओजोन एंड वेयर इज इट फाउंड. ओके, हाउ डू वी मेजर ओजोन. लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओजोन को मेजर किस तरीके से किया जाता है. ओजोन को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, या जिस तरह हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज में आपको पढ़ा एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, DU. डॉप्सन यूनिट एक तरह से आपको क्वांटिटी मेजर करता है, क्वांटिटी ऑफ ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट है. डॉप्सन यूनिट का एग्जैक्ट में मीनिंग आपको बता देता हूं. डॉप्सन यूनिट जो है ना, ये वन डॉप्सन यूनिट बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन के. अब ओजोन जो है ये बिल्कुल इतनी मामूली सी लेयर तो हो नहीं सकती. एक्चुअली ये होता है कि ओजोन डिस्पर्स्ड होती है. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से ये जो रेड कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारी ओजोन है, और ये जमीन की पूरी सरफेस है, जमीन यूं करके गोल. ठीक है. अब एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है ये स्कैटर्ड होती है, और सबसे ज्यादा ओजोन कहां पे पाई जाती है, ये इस वाले हिस्से में जो तकरीबन ये वाली बुलंदी कह लो, ये जो फासला है ये जब तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब होता है, यहां पे ओजोन सबसे ज्यादा पाई जाती है. इस हिस्से के अंदर ये डॉट्स बहुत ही
ज़्यादा होते हैं. अब सिंस इट इज़ अ गैस, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट. अगर आप ऐसा करो कि इस गैस को कंप्रेस करो इस सारे मॉलिक्यूल्स को, तो ये सारे मॉलिक्यूल हो सकता है एक बारीक सी लाइन के अंदर पूरे आ जाएं. ठीक है, एक इतनी सी एक स्ट्रिप हो, इस स्ट्रिप के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे करके पूरे आ जाएं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. अब इस स्ट्रिप की जो थिकनेस होगी, इसको अगर आप मेजर करो, तो वो जो थिकनेस है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आता है इन मिलीमीटर्स, दैट इज कॉल्ड अ डॉब्सन यूनिट. हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एवरेज क्वांटिटी इज 350 डॉब्सन यूनिट्स, विच एक्चुअली मींस 350, 1 DU किसके बराबर है, 0.01 मिलीमीटर, इनटू 1 DU की जगह आप लिख दो 0.01 मिलीमीटर, विच इक्वेट्स टू 3.5 मिलीमीटर लेयर ऑफ ओजोन. इट्स वेरी स्ट्रेंज, आप सोच रहे होगे कि ओजोन बहुत ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर. ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी है ना, इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ऊपर आपको पता है कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना है. अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, ठीक है, बिटवीन अराउंड 100 किलोमीटर, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा. ठीक है, इस 100 किलोमीटर थिकनेस के अंदर सिर्फ 3.5 मिलीमीटर जो है वो ओजोन के हैं. ये आप देख लो कितनी थोड़ी परसेंटेज है ओजोन की. आउट ऑफ द टोटल 100 किलोमीटर ऑफ द थिकनेस ऑफ अर्थ, ओनली 3.5 मिलीमीटर इज ओजोन. किलोमीटर्स में यहां पे बातें हो रही हैं, यहां पे मिलीमीटर में हो रही हैं, यानी 1,00,000 गुना का फर्क, तो 10,00,000 गुना का तो यहीं पे पड़ गया. बिकॉज 1 मीटर 1,000 टाइम्स इज किलोमीटर एंड 10^-3 टाइम्स इज मिलीमीटर. ऑलराइट, सो 10^6 का डिफरेंस तो यहीं पे पड़ गया, 1 मेगा का, 1 मिलियन का. ठीक है, सो देर इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन टाइम्स लेसर अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर देन द टोटल एटमोस्फेरिक गैसेज. यू कैन डिड्यूस दिस रिजल्ट. ओके, सो नाउ यू नो कि हम मैयर किस तरीके से करते हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि डॉब्सन यूनिट का क्या मतलब होता है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड. ओजोन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू आंसर. ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सम लाइट एंड सम अदर एजेंट्स, सम अदर कैटलिस्ट्स यू कैन से. और ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ओजोन या O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नॉर्मली सीन नियर द इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल जो रीजन हैं, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, यहां पे सच गैसेज आर मोर ऑफन फॉर्म्ड. ठीक है, और फिर इक्वेटर के ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर ये पोल्स की तरफ मूव करती है ये गैस. ठीक है, इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में ये प्रोड्यूस होती है इस रीजन के अंदर, एंड फिर ये लेटर ऑन पोल्स की तरफ ये गैस मूव करती है. सो यू नाउ ऑल्सो नो कि हाउ इज दिस गैस फॉर्म्ड. इज इट अ गुड और अ बैड गैस, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन जिसको आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू आंसर. ओजोन गैस इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम. सबसे पहले लेट्स सी हाउ इज इट बैड. देर आर एक्चुअली 3 डिफरेंट अफेक्ट्स जो इसके नुकसानात हैं. ठीक है, अभी तक आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ओजोन इज अ गुड गैस, बट ओजोन इज एक्चुअली बैड एंड अ गुड गैस एट द सेम टाइम. इसके कुछ ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट्स होते हैं, जिनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगा. एंड ये कोई मामूली अफेक्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओजोन गैस डैमेजेस ह्यूमन आइज. ठीक है, आपकी आंखों के ऊपर बहुत बुरा इससे असर पड़ता है ओजोन गैस से. इसके अलावा एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम दम्मा कहते हैं, जिनको जो इसके पेशेंट्स होते हैं, उनकी हालत मजीद बिगड़ जाती है. ठीक है, ओजोन गैस की वजह से. इसके अलावा आपके जो लंग टिश्यूज होते हैं, जो आपके फेफड़ों का जो होता है स्ट्रक्चर, वो बहुत ही वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, और उससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है. इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा खांसी होना शुरू हो जाती है. कफिंग इसका एक बहुत बड़ा मसला है ओजोन गैस को इनहेल करने की वजह से. एंड देयर इज अ फाइनल डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट. आपको अपना जो सीना है वो बहुत ही
भारी भारी महसूस होने लगता है अगर आप ओजोन गैस को इनहेल कर रहे हो या आपकी बॉडी के अंदर ये चली जाती है. सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन या बैड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. इसके अलावा कुछ मटीरियल्स हैं और प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट होता है. मटीरियल इफेक्ट्स में द कॉमन इफेक्ट्स इंक्लूड व्हाट दे इंक्लूड रबर इलास्टिसिटी जो होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है. जिससे मैंने ऊपर आपको कहा था कि लंग टिश्यूज जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है. रबर जो है उसकी इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है जब उसके ऊपर ओजोन के साथ इंटरेक्शन होता है. ठीक है, इसके अलावा जो पेंट्स एंड पिगमेंट्स होते हैं, पेंट्स पिगमेंट्स या जो जिनको हम रंग कहते हैं, पेंट्स एंड पिगमेंट्स जो हैं इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी जल्दी खराब हो जाते हैं, लेस ड्यूरेबल. एंड इनकी जो अपीयरेंस है वो भी खराब हो जाती है, यानी रंग बदल जाते हैं ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद. इसके अलावा फैब्रिक्स जो होते हैं, जो कपड़े जो होते हैं, कपड़ों का जो रंग है वो खराब होना शुरू हो जाता है. ठीक है, फैब्रिक्स के जो डाइज होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं. डाइज फेड आउट, फेड आउट मतलब उनका रंग उड़ना शुरू हो जाता है. तो ये कॉमन इफेक्ट्स हैं जो ओजोन गैस की वजह से होते हैं, जो इसके बैड की कैटेगरी में आते हैं. यानी हम इन इफेक्ट्स की वजह से ये नहीं कह सकते कि ओजोन इज अ गुड गैस. और अभी तो मैंने आपको थोड़े से बताए, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी इसके अलावा क्या ओजोन की वजह से होता है. ये अभी हम बैड ही वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं. बैड के अंदर एक और बड़ा मेजर जो मसला है ओजोन की वजह से जो होता है, दैट इज स्मॉग फॉर्मेशन. स्मॉग के अंदर जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था स्मॉग का, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मॉग. देयर इज अ रिड्यूसिंग स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग जिसके अंदर प्राइमरी कंपोजिशन सल्फर डाइऑक्साइड की होती है. एंड देयर इज एन ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग में क्या होता है, कोई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखते हो. और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत डेफिनेटली ओजोन खुद रखता है, क्योंकि ओजोन क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर. एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीडाइजेस एनी अदर एलिमेंट या कंपाउंड. सो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग की जो फॉर्मेशन है उसमें ओजोन गैस का बड़ा मेजर रोल है. ठीक है, और जब स्मॉग के जितने भी नुकसान हैं वो सारे भी, फिर इसका मतलब है कि एसोसिएटेड दीज बैड्स आर एसोसिएटेड विद ओजोन. तो ये भी ओजोन का एक मसला हो गया, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है. इसकी वजह से स्मॉग प्रोड्यूस होता है और उससे फिर और मसाइल होते हैं. एक और इसका जो बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है ओजोन की वजह से जो होता है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था. अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस. ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, यू मस्ट बी नोइंग कि ये दोनों क्या हैं. आपको पता है कि दिस इज योर अर्थ, इट्स लाइक अ स्फीयर, एंड देर इज एन एटमोसफियर अराउंड द अर्थ विच इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैसेस विच सराउंड द अर्थ. दे लुक मोर लाइक माउंटेन्स जो मैंने बना दी हैं, बट दीज आर गैसेज एंड दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ दोज गैसेज. Sunlight falls on the earth and sunlight, you know, is heat and light at the same time. अब ये जो heat है ये क्या होती है, ये atmosphere के अंदर enter होती है. It enters the atmosphere, some of it enters the atmosphere and some is blocked by the these molecules. अब there are certain gases which are called greenhouse gases which surround our atmosphere in such a way, इस तरीके से इन्होंने सराउंड किया हुआ होता है. मैं इसको एरो लगा के बता देता हूँ, ये जो रेड कलर का मैंने एक सर्कल बनाया है, दिस इज ग्रीन हाउस गैसेज इनको बोला जाता है. ये कौन कौन सी गैसेज हैं, इन गैसेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसेज के अंदर ओजोन है, एंड देर आर मैनी अदर गैसेज ऑल्सो विच आर अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. अब ये गैसेज क्या करती हैं, ये यहाँ पे ना इनकी खासी कंसेंट्रेशन होती है, इनकी लेयर्स होती हैं इन गैसेज की. ये गैसेज हीट को अपने अंदर आने तो देती हैं, बट जब सनलाइट जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर निकल रही होती है ना,
ये उसको बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है, इनको अपने अंदर इंट्रैप कर लेती हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग या इंट्रैपिंग, इंट्रैपिंग ऑफ हीट. सो दीज ग्रीन हाउस गैसेज डू वॉट, दे इंट्रैप द हीट, एंड जिसकी वजह से यह होता है कि पूरी जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस के करीब टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, और उसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है. यू गेट माई पॉइंट, मैं रिपीट कर देता हूं शुरू से. आप हीट जो है वो जमीन के ऊपर फॉल कर रही है, हीट एंड लाइट, इट एंटर्स द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ, बट वेन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक दीज गैसेज, सॉरी दिस हीट जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, तो देर आर सर्टन गैसेज जो उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती. इसको आप सिंपली कह दो जो ब्लैंकेट के अंदर हो रहा होता है, आप जब रात को सोते हो सर्दियों में, तो क्या होता है कि इफ लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, ये आप सो रहे हो, आई एम नॉट दैट गुड एट ड्राइंग वंस अगेन, ओके, ये आप सो रहे हो रात के टाइम पे, और आपने ऊपर अपने ना एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है, इट्स दिस इज द ब्लैंकेट जो आपने रात को ओढ़ा हुआ है. अब आपकी, अगर आपने कभी गौर किया हो, इस ब्लैंकेट की वजह से क्या होता है कि आप अगर ब्लैंकेट के अंदर हो ना, ब्लैंकेट के अंदर ओवरऑल टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ होता है. अगर रजाई आप रात के टाइम करो ना, उस टाइम वो बहुत ठंडी होती है, बट 15-20 मिनट बाद आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता ना अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा होता है, एंड ये एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा होता है. आपकी जो हीट है ना वो इंट्रैप होती जा रही होती है, अंदर आपकी जो बॉडी की हीट है वो इंट्रैप होती जा रही होती है. जो ब्लैंकेट का रोल होता है रात को सोने में, वो ग्रीन हाउस गैसेस का रोल होता है जमीन का टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस एंड हाउ डू दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग. अब मैं आपको मैं आपको बैड पॉइंट्स बता रहा था इसके गैस के, ओजोन गैस के. अब एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, एंड ओजोन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. सो द प्रॉब्लम विद ओजोन इज कि ये जमीन के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जा रही है. सो हमने तीन किस्म के प्रॉब्लम देख लिए ओजोन के. नाउ लेट सी कि इसकी वजह से कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं. इज इट डूइंग एनी गुड? यस, इसकी वजह से हमें फायदा भी हो रहा है. एक जो मामूली सा फायदा है, लेकिन किसी हद तक वो फायदा है, कि इट डिस्ट्रॉयज पोल्यूटेंट्स इन लोअर एटमॉस्फेयर. ये अजीब सी बात है, बट ओजोन गैस जो है ना, कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ गैसेस हैं, उनके साथ रिएक्ट करती है और उन गैसेस को पोल्यूटेंट्स से खत्म कर देती है, इन पोल्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है व्हेन इट रिएक्ट्स विद सच गैसेस, ठीक है. तो ये इसका एक फायदा है. जो सबसे मेजर इसका फायदा है, जो अभी तक आपके, आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, वो ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको ब्लॉक करती है ओजोन. जमीन के गिर्द ओजोन की एक लेयर है, मैंने आपको समझाया कि तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब इसकी खासी एक डेंस लेयर है, इतनी भी डेंस नहीं है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में, एक्चुअली मैंने आपको समझाया है कि सिर्फ 350 डॉप्सन यूनिट्स है, 3.5 मिलीमीटर थिक एक लेयर है, ठीक है, अगर आप उसको कंप्रेस कर दो. वैसे वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर डेंस लेयर है, लेकिन वो गैसेस फॉर्म है, उसको कंप्रेस करो तो वो 3.5 मिलीमीटर में आपको मॉलिक्यूल सारे नजर आएंगे. ओके, जो मेजर इफेक्ट इज कि जब बाहर से अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, तो ओजोन गैस की जो यहां पे एक लेयर है वो उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है. और अल्ट्रावायलेट रेज के ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं. हमारी स्किन के ऊपर बड़े डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं, आईज के ऊपर बड़ा डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उन तमाम इफेक्ट से हम लोग बच जाते हैं बिकॉज ऑफ ओजोन गैस. टू समराइज ऑल दिस, वी हैव दिस डायग्राम, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, और इससे आपको आज का पूरा लेक्चर भी आस्ते आस्ते समझ आता जाएगा. आप देखो, ये टॉप से यूवी आपको पर्पल कलर के एरोस नजर आ रहे हैं. मैं हर चीज को रेड में करता जाऊंगा जो जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं. ये एरोस जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दीज एरोस, दीज रिप्रेजेंट अल्ट्रावायलेट रेज. दिस इज द गुड इफेक्ट, यू कैन सी गुड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर जो तकरीबन 15 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा होता है जमीन का, एब्जॉर्ब्स लॉट्स ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन. दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ ओजोन. ऑलराइट, तकरीबन
25 किलोमीटर बुलंदी पे ये ओजोन है, ये तकरीबन 30 पे इसने शो की हुई है, 30 माइल्स पे शो की हुई 50 किलोमीटर। एक्चुअली ओजोन सिर्फ एक लेयर नहीं है ना, बहुत सारा हिस्सा है जिसमें ओजोन पाया जाती है, तो उसके लिहाज से ये हमें बता रहा है। सो इस हिस्से में जो ओजोन है ये देखो, इसने बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज ब्लॉक कर दी हैं, ठीक है। ये एक्चुअली वो हिस्सा है जहां से आगे ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ होल इन द ओजोन। और इस ओजोन के होल होने की वजह से क्या होता है कि कुछ ओजोन जो है वो जमीन के अंदर फिर भी चली जाती है। इस होल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन यहां से डिप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। बैड पॉइंट आप पढ़ो यहां पे, अब राइट साइड पे एक बैड पॉइंट आ गया। बैड पॉइंट इज दैट ओजोन एट टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैपिंग हीट, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं सो यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो हीट आ रही है जमीन से रिफ्लेक्ट होके, ये हीट आ रही है, लेकिन ओजोन गैस यहां पे जो पाई जाती है तकरीबन 20 किलोमीटर बुलंदी पे, ये क्या करती है कि उसको इंट्रैप कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक करा देती है अंदर की तरफ। तो हीट बजाय इसके कि बाहर निकले वो अंदर ही रह जाती है और जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओके सो नाउ आप दो पॉइंट्स पढ़ चुके हो, एक तो ये कि इट इज गुड एंड एक ये कि इट इज बैड। थोड़ा और नीचे आते हैं, गुड अगेन एक अच्छा पॉइंट आ गया। गुड ओजोन एट द मिड ट्रोपोस्फियर डिस्ट्रॉयज पोलूटेंट्स, देर आर सर्टेन पोलूटेंट्स, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मोक वगैरह आ रहा है, ये ओजोन की वजह से कुछ स्मोक डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड देन फाइनली देर इज अ बैड पॉइंट रिलेटेड टू ओजोन, दैट ओजोन एट लोअर ट्रोपोस्फियर लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ, ट्रोपोस्फियर स्टार्टिंग लेयर को कहते हैं, मेक्स स्मॉग, और उसकी वजह से फिर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जो मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूं, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत डिटेल में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि इज इट गुड और अ बैड गैस, एंड आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इज ओजोन अ गुड और अ बैड गैस। सो फार वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ओजोन गैस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड द केमिकल रिएक्शंस दैट पार्टिसिपेट इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन गैस की एक पूरी लेयर है सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है, यूं करके ये इस लेयर को समझ लो, दिस इज फॉर ओजोन गैस। अब इस लेयर को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दो किसी तरीके से, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट जमीन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, वो फिर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। अब इन ये जो पूरी एक रे है, इसके ब्लॉक होने को, सॉरी ब्लॉक होना कह रहा हूं, इसके डिप्लीट होने को, खत्म होने को हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ये फिर अल्ट्रावायलेट या हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो जमीन के अंदर आ सकेंगे। यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट। अब ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, देर आर सम एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आपके पास सी कार्बन जो कि चार बॉन्ड्स बनाता है, अगर आप इसके एक तरफ फ्लोरीन और तीन तरफ क्लोरीन्स लगा दो, ठीक है, या आप इसके दो तरफ फ्लोरीन या दो तरफ क्लोरीन लगा दो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इसको हम लिखेंगे CFCl3 और इसको हम लिखेंगे CF2Cl2, ठीक है। दीज आर बोथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन सर्टेन क्लींजर्स, स्प्रेज एंड बहुत सारी चीजों के अंदर ये पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। रेफ्रिजरेंट में दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, कूलिंग गैसेस, कूलेंट गैसेस जो होती हैं। अब ये करते क्या हैं, दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मूव अप इन द एटमॉस्फियर। ये वैसे तो जमीन की सरफेस पे पाए जाते हैं ना, या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाते हैं, और जब ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर सनलाइट फॉल करती है, ठीक है। और सनलाइट फॉल करने की वजह से, ये सनलाइट इनके ऊपर फॉल की, सनलाइट फॉल करने की वजह से दे चेंज इनटू फ्री रेडिकल्स, CFCl2+Cl-, ये एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ है। कार्बन के साथ एक फ्लोरीन लगा हुआ था और तीन क्लोरीन्स लगे हुए थे। सनलाइट ने क्या किया कि सनलाइट ब्रोक वन ऑफ द बॉन्ड्स लाइक दिस, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन, ये कार्बन के पास वापस आ गया
एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द क्लोरीन, ये क्लोरीन के पास वापस आ गया एंड बोथ ऑफ देम आर नाउ अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स. सो बेसिकली इट्स कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. इससे नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि दिस फ्री रेडिकल जो सी एल डॉट का बना है, एक्चुअली सारा प्रॉब्लम ये कॉज करता है. ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद ओजोन O3 एंड मेक्स O2 गैस एंड साथ में OCl, ठीक है, एंड OCl रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू अगेन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगेन एक सी एल डॉट बना देता है और ऑक्सीजन गैस बना देता है. और ये वाला जो सी एल डॉट है, दिस अगेन रिएक्ट्स विद O3 टू गिव ClO प्लस O2 एंड ClO अगेन रिएक्ट्स विद O टू गिव CL डॉट प्लस O2 एंड सो ऑन. ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है. मैं आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं प्रोसेस दोबारा बता देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक CL डॉट बन गया ना, अब ये CL डॉट जाके अटैक करता है ओजोन को. और ओजोन आपको पता है किस चीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन के. अब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है विद फ्रेशली क्रिएटेड क्लोरीन और ये ClO डॉट बना देता है और साथ O2 आपके पास अलग में आ गया. अब ये जो ClO डॉट है, चूंकि ये अनस्टेबल है, ये अगेन एक और O2 का जो O होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म Cl डॉट वंस अगेन एंड O2 वंस अगेन. ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में पता है क्या हो रहा है, O3 चेंज हो रहा है O2 और O के अंदर, और ये वाला जो O है ये आपका Cl के साथ मिलके फिर और कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है. बट O3 का O2 और इसके अंदर चेंज होना किस चीज की वजह से ट्रिगर हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Cl डॉट विच इज हाईली रिएक्टिव, जो कि O3 को टूटने पे मजबूर कर देता है. और कितना तोड़ते पे मजबूर करता है, अगर देर इज अ सिंगल Cl डॉट मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल, अ सिंगल फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास, एक अगर फ्री रेडिकल Cl डॉट है तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है एंड इट कैन डिस्ट्रॉय अप टू 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल. सो यू कैन नाउ इमेजिन के CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस एंड ये आपके ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है. ये एक पूरा बड़ा खूबसूरत मुझे इंटरनेट से एक एनिमेशन मिली है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. मैं इसको शुरू से प्ले करता हूँ. इधर ऊपर आप देखो 1970, 1978, 81, 82, 83, ये ईयर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जा रहे हैं. और ये जो आपको ग्लोब नज़र आ रहा है, इसमें जो रेड लाइन है, ये आपको वो हिस्सा ज़मीन का बता रहा है जहाँ पे ओजोन लेयर बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर पाई जाती है, ठीक है. एंड यू कैन सी एग्जैक्टली जो डॉप्सन यूनिट्स में वैल्यूज हैं, इधर नीचे आपको शो हो रही हैं, जितना कलर ब्लू या डार्क ब्लू या पर्पल या रेड होता जा रहा है ना, ये तमाम वो रीजन है जहां पे ओजोन लेयर बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है. आप देखो ये जो जमीन है, इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द साइड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटार्कटिका, ठीक है. दिस इज योर इक्वेटर एंड जो ऊपर का रीजन है दिस इज योर आर्कटिक रीजन, ठीक है. सो नियर द पोल्स, स्पेशली जो एंटार्क्टिका का हिस्सा है, यहां पे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, ठीक है. यहां पे हमेशा से जो आपकी परसेंटेज है ना ओजोन की, वो कम रही है. और इसको हम कहते हैं एक ओजोन होल है यहां पे. यहां पे ओजोन की प्रोपोर्शन बहुत ही कम है निस्बतन बाकी जमीन के पार्ट से, ठीक है. मैं एक दफा फिर से एनिमेशन प्ले कर रहा हूं. यू कैन सी कि आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो चेंजेस आते हैं ये वो भी बताता जा रहा है. और ये मिनिमम अमाउंट आप देखो 173, 155, 160, 127, यानी बहुत कम कम भी किसी सालों में हो जाती है ओजोन की अमाउंट. 121, 115, यू कैन सी 104. सो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है ये किस हद तक हो सकती है, ये ऑलमोस्ट 100 डॉप्सन यूनिट तक भी गिर सकती है किसी मखसूस रीजन के ऊपर. और नॉर्मली जब 150 से कम होती है, जब ओजोन लेयर की जो अमाउंट होती है, तो हम कहते हैं कि उस रीजन को कि वो एक ओजोन होल बन चुका हुआ है और अब वहां से अल्ट्रावायलेट रेज बड़े आराम से जमीन के अंदर आ सकती हैं, ठीक है. तो एंटार्क्टिक जो हिस्सा है जमीन का, एंटार्क्टिका, ये तकरीबन 1980s के अंदर पहली दफा पता चला था कि एंटार्क्टिक जो जोन है ये इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज वहां से आपका ओजोन होल वहां पर बन चुका हुआ है, ठीक है.
This is it for today's lecture. इससे next lecture के अंदर we'll be talking about water pollution और water pollution किन किन तरीकों से cause होती है और उसको किस तरीके से avoid किया जा सकता है.